दोस्तों, आज आप लोगों के लेकर के आया हूँ एक नया वीडियो, जो एक एलईडी बल्ब पे एक कस्टमर देके गया है। वो आप पहले आप लोगों को टेस्ट करके दिखा देता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, आप लोग देखिए, ये जो एक जल रहा है, ये स्विट्जरलैंड में हम दे दिया हूँ, लेकिन जल रहा है और होल्डर में लगाने के बाद ये जलता नहीं है। इसे हम ठीक करके दिखाऊंगे और इसको एक बार टेस्ट करते हैं क्या बोलता है। ये बिल्कुल भी नहीं जलता है, अरे जल रहा है लेकिन होल्डर में नहीं जलता है। तो इसे हम क्या करेंगे दिखाते हैं आप लोग को। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इसमें ये जो दो कनेक्टर है जो होल्डर में लगता है, इसमें थोड़ा कार्बन आ गया है। और ये जो कनेक्टर है, इसमें जो रंग होता है सोल्डर, ये बहुत कम है। तो इसको हम इसमें सोल्डर करेंगे, सोल्डर करके इसमें थोड़ा ज़्यादा सोल्डर करेंगे। और ये सोल्डर करने के बाद थोड़ा हाई हो जाएगा, तभी होल्डर में जाके सही से बैठेगा और वो जलेगा। तो हम दिखाते हैं इसको सोल्डर करके, जला करके। तो दोस्तों, इसमें हम सोल्डर कर लिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं पहले से बहुत बढ़िया हो गया है और थोड़ा हाई भी हो गया है। अब हम इसे होल्डर में लगा के दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने होल्डर में लगा दिया हूँ, अब लाइन देता हूँ, देखिए जलता कि नहीं। ये देखो, ये चालू हो गया है। इसी तरह से आप लोग भी नॉन वारंटी, बिना गारंटी का जो एलईडी बल्ब है, इसका दाम मार्केट में 20-25 रुपए का दाम है, ये आप लोग घर बैठे भी बस 2 मिनट में ठीक कर सकते हो। तो चलो, ये हो गया, अब इसको ठीक करेंगे। इसे हम एक बार खोल लेता हूँ क्या दिक्कत है। तो दोस्तों, आप इसको फिजिकली देख सकते हैं, इसमें कोई सर्किट बोर्ड होता नहीं है, सिर्फ ये जो प्लेट है एलईडी प्लेट यही होता है, इसी में सब सर्किट होता है। तो इसमें देखते हैं क्या समस्या प्रॉब्लम है। तो आप फिजिकली देख सकते हैं इसमें एलईडी ख़राब हो गया है। ये जो एक एलईडी इधर है, ये जो ब्लैक हो गया है, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करें, एक ये जो ब्लैक वाला बीच में जो ब्लैक हो गया है, ये एलईडी ख़राब हो गया है। उसके बाद ये एलईडी ख़राब हो गया है, ये वाला एलईडी ख़राब हो गया है, ये वाला भी ख़राब है। इसी तरह से आप फिजिकली आप लोग देख सकते हैं। तो इतना सारा एलईडी ख़राब हो गया है, इसलिए इसको हम रिपेयरिंग नहीं कर सकते हैं। ये रिपेयरिंग हो जाएगा लेकिन ये ज़्यादा देर लग जलेगा नहीं, फिर से ख़राब हो जाएगा। तो इसको हम ये प्लेट चेंज करके दिखाते हैं। हमने इसको लाइन में दे दिया हूँ लेकिन फिर भी ग्लो नहीं कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो हम इसको ठीक करके दिखाएंगे, टेस्टर जला कर दिखाऊँगा। ये देखिए, टेस्टर जल रहा है, लाइन आ रहा है, लाइन आ रहा है लेकिन बल्ब नहीं जल रहा है। तो हम वो प्लेट चेंज कर देंगे, चेंज करके दिखाते हैं। दोस्तों, हमने ये प्लेट पुराना वाला खोल लिया हूँ, अब देख सकते हैं इधर एलईडी कटा हुआ है, ब्लैक ये ख़राब हो गया है। नया वाला प्लेट हम इसमें लगा दिए हैं, अब इसको जला के दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल सही तरह से ग्लो कर रहा है। तो इस तरह से आप लोग भी बस 2 मिनट में ठीक कर सकते हैं। ये प्लेट का कीमत 10 रुपये दाम लेगा, 10 रुपये में आप एक एलईडी बल्ब घर बैठे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आप लोग देखते रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें।